हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लावर बुक्स। ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री वैसे तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर आप माने और या फिर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए प्रीवियस ईयर्स के, यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, तो आपको नेशनल कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी सारे मिलेंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको हर एस्पेक्ट से कवर करना है क्योंकि किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जो मुझे लगा कि शायद इम्पॉर्टेंट होते हैं या हो सकते हैं, तो वो मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। बट इवन दो मैं ये कह रही हूँ कि ये टॉपिक जितना हो सके उतना डिटेल में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसीलिए सारे फैक्ट्स आपको कवर करने हैं, बट फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो प्रेजिडेंट कौन था जब फर्स्ट सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? तो इसका करेक्ट आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये कहाँ पर हुआ था? ये 1885 में हुआ था और वो हुआ था बॉम्बे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द यंगेस्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है एमपीएससी एग्जाम में। ये 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है आपको उसमें मिल जाएगा कि यंगेस्ट प्रेजिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो इसका करेक्ट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनकी एज जो थी वो 35 ईयर्स थी जब इन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया था, और ये यंगेस्ट थे। और अभी अगर हम देखें तो कहा जाता है कि युवा नेता जो है राहुल गांधी, बट नहीं, जब इनकी एज जो थी वो काफी कम थी, 35 इयर्स में ये प्रेसिडेंट बन गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। देन नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो नॉन इंडियन प्रेसिडेंट जो थे वो थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल जो थे वो फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, और ये एक ब्रिटिश थे। और इसके अलावा ये जो सेशन था ये 1888 का सेशन था और ये हुआ था इलाहाबाद में। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पर हुआ था और कौन से नंबर के थे, ये चौथे नंबर के, ठीक है। फोर्थ नंबर का जो सेशन हुआ था कांग्रेस का 88 में, तब इन्होंने उस सेशन को प्रिसाइड किया था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये तीनों भी है, ये तीनों भी कर चुके हैं इस जो सेशंस है कांग्रेस के उसको प्रेसाइड कर चुकी है, प्रेसिडेंट रह चुके तीनों, ठीक है। एनी बेसेंट जो है वो फर्स्ट फीमेल, नॉन इंडियन थी बट फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। और ये जो है सर विलियम वेडरबम बर्न ये भी रह चुके हैं, अल्फ्रेड जॉन वेब ये भी रह चुके हैं। तो ये चारों रह चुके हैं। अगर आपसे कभी किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से तीन के नाम दे दे और ये पूछ ले, चौथा अलग दे के पूछ ले कि ये कौन सा कौन व्यक्ति नहीं रहे, तो वो भी आपको याद रखना है। तो इसलिए ये चारों नाम आप हो सके तो याद रखें क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहले जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो थे बद्रुद्दीन तैयब जी। तो ये जो थे ये थर्ड नंबर के प्रेसिडेंट थे, जो थर्ड सेशन हुआ था 1887 में और वो हुआ था मद्रास में। देन नेक्स्ट है, वेयर डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। ये जैसा कि मैंने आपको बताया बॉम्बे में हुआ था, पहला जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का बॉम्बे या मुंबई इसको कहते हैं। देन नेक्स्ट है, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग सूरत स्प्लिट इन 1907। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहती हूँ कि 1905 से लेकर 1907 तीन जो साल है, 1905, 6 और 7, तीनों में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। और अगर ये देखें तो हम लोग इससे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं और अभी भी आने के चांसेस है। तो ये ऑलरेडी एमपीपीएससी एग्जाम में तो काफ़ी टाइम पूछा जा चुका ही है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, 1905 में क्या हुआ था, डिवीजन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन हुआ था। देन 1906 में क्या हुआ था, 1906 में हुआ था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग जो है उसकी स्थापना हुई थी। देन 1907 में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो थी स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। तो 1907 में ये जो पर्टिकुलर सेशन है जो सूरत में हुआ था,
लेकिन ये होने वाला था नागपुर में। जो बाल गंगाधर तिलक थे वो चाह रहे थे कि ये जो पर्टिकुलर सेशन है ये नागपुर में हो, बट किसी किन्हीं कारणों की वजह से ये सूरत में हुआ, और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ गया। तो यहाँ पर इस टाइम पे जो कांग्रेस थी वो स्प्लिट हो गई। और इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर है राज बिहारी घोष। राज बिहारी घोष जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और एक नाम आपको और मिलेगा वो है राज बिहारी बोस। तो राज बिहारी बोस जो है वो रिलेटेड है आईएनए से। आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, यानी कि जिसको जो आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं, तो उन उससे रिलेटेड है राज बिहारी बोस, और राज बिहारी घोष रिलेटेड है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रखें, क्योंकि कन्फ्यूज करने के लिए ये भी ऑप्शन में आपको आंसर दे सकते हैं, बोस या घोष दोनों। तो इसलिए आपको करेक्ट याद रखना है कि राज बिहारी घोष जो थे वो ही थे प्रेजिडेंट 1907 में, जब सूरत में स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का। देन नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जैसा कि मैंने बताया, इसमें से अगर मैं बताऊं तो सरोजनी नायडू भी रह चुकी है, एनी बेसेंट भी रह चुकी है, और इंदिरा गांधी भी रह चुकी है। इंदिरा गांधी को सब जानते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस रही है ये। लेकिन पहली फीमेल कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट रह चुकी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। हालांकि ये इंडियन नहीं थी, बट फिर भी ये पहली अगर फीमेल लेंगे तो हम एनी बेसेंट होगी, ठीक है। सुचेता कृपलानी कभी भी कांग्रेस की प्रेसिडेंट नहीं रही है, ये बात आप याद रखिए। एक इंपॉर्टेंट नाम है ये इंडिया की फ्रीडम से रिलेटेड, लेकिन ये प्रेसिडेंट कभी ना नहीं रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। देन नेक्स्ट, विच इज द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है उन्होंने सिर्फ एक ही सेशन था कांग्रेस का जो जो उन्होंने जिसके प्रेसिडेंट रहे थे वो, और वो सेशन था बेलगाम। बेलगाम जो है वो सेशन हुआ था 1924 में, 1924 में। और ये एक प्लेस है कर्नाटका की, जो बेलगाम है वो कर्नाटका में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने भी सिर्फ एक ही सेशन लेड किया था कांग्रेस के, एक ही सेशन के प्रेसिडेंट रहे थे वो, और वो था हरिपुरा का सेशन, हरिपुरा में। और ये सेशन हुआ था 1938 में, 1938 का जो सेशन था उसमें ये प्रेसिडेंट रहे थे। बट गांधी जी ज़्यादा खुश नहीं थे इस बात से, और वो नहीं चाह रहे थे कहीं भी कि ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी वो प्रेसिडेंट बने। तो अल्टीमेटली जो नेक्स्ट सेशन हुआ था वो हुआ था त्रिपुरी में, जो जबलपुर के पास है, 1939 में। तो वहाँ पर रिज़ाइन कर दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। हरिपुरा जो है एक विलेज है, हरिपुरा एक जगह है जो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द रीयूनाइट ऑफ कांग्रेस। जब 1907 में, जैसे मैंने बताया, कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था, तो 1916 में, 1916 में कांग्रेस फिर से एक हो गई। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो हुई थी लखनऊ पैक्ट। लखनऊ में ये सेशन हुआ था और लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उनके बीच में। तो 1907 में जब रीयूनाइट हुई थी कांग्रेस, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार के प्रेसिडेंसी में ये चीज़ हुई थी कि 1916 में कांग्रेस जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स थे वो फिर से एक हो गए थे, और मुस्लिम लीग और जो इंटरनेशनल कांग्रेस है उनके बीच में एक लखनऊ पैक्ट भी साइन हुआ था। तो आप अगर आपको थोड़ी भी जानकारी इस बारे में, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि लखनऊ पैक्ट में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनकी तरफ से किसने साइन किए थे पैक्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जैसे मैंने बताया कि ये जो है इनमें से तीन रह चुकी है और एक नहीं रही है, सुचेता कृपलानी नहीं रही है, ठीक है। तीन रही है, तो पहली फीमेल इंडियन प्रेसिडेंट कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। ये तीनों रह चुकी है, लेकिन ये दो जो है, सरोजनी नायडू और मिसेज नेली सेन गुप्ता, ये दोनों रही है बिफोर इंडिपेंडेंस, और ये इंदिरा गांधी जी रही है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आपको इन दोनों के नाम याद रखना है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री है उसमें टोटल तीन फीमेल्स रही है, एक है एनी बेसेंट, दूसरी है सरोजिनी नायडू, तीसरी है मिसेस नेली सेन गुप्ता। तो तीनों आपको नाम याद रखने हैं। आप हर तरीके से खुद क्वेश्चन बना के देखिए, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। और बेस्ट चीज़ होगी कि आप एमसीक्यूज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको चीज़ें याद भी रहेगी और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको मालूम चल जाएंगे, ठीक है।
देन नेक्स्ट है, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वेन इंडिया बिकेम फ्री? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे जब इंडिया को आज़ादी मिली? तो उसका करेक्ट आंसर है जेबी कृपलानी। तो वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के जो विचार थे वो काफ़ी अलग थे और उनमें काफ़ी मतभेद भी चल रहा था, और यही दो लोग थे जो प्राइम मिनिस्टर के दावेदार थे उस टाइम पे। लेकिन जो जेबी कृपलानी थे वही इकलौते ऐसे इंसान थे जो दोनों की चॉइस थी, जो दोनों के मत से बने थे। ठीक है, चलिए, दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। गुड लक फॉर योर प्रिपरेशंस। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आज कवर किया। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गांधी जी से रिलेटेड। तो गांधी जी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेड MCQs हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रही हूँ कि मैं कवर कर लूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।